नमस्कार दोस्तों, फाइव स्टार होटलों को चकमा देकर हजारों रुपए का खाना खाने के मामले में मुंबई पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। बाप और बेटा होटल में पहले बुकिंग करते थे और इसके बाद खाना खाने के लिए पहुंचते थे। ये लोग खुद को कारपोरेट हाउस का कर्मचारी बताते थे या फिर बिजनेसमैन। पीटीआई के मुताबिक बीते शनिवार को इस मामले का खुलासा हुआ जब ताज ग्रुप के होटल विवांता प्रेसिडेंट के स्टाफ ने समय रहते पुलिस को सूचना दे दी। शुरुआत में विवांता प्रेसिडेंट के स्टाफ ने खाना खाने के बाद विनम्रता से बिल चुकाने के लिए कहा, लेकिन ये लोग बहाने बनाने लगे। इसके बाद पुलिस को बुलाया गया और इन्हें रोक लिया गया। ताज होटल्स की ओर से दो शिकायत मिलने के बाद कफ परेड पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी शिकायत ताज पैलेस होटल की ओर से की गई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का नाम सुहास नारलेकर 57 वर्ष और स्वप्निल 32 वर्ष है। पुलिस ने कहा कि ये लोग कांदीवली के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवांता प्रेसिडेंट होटल में शनिवार को दोनों आरोपियों ने 8,831 रुपये का खाना खाया। पुलिस ने धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि बाप बेटे ने ताज महल पैलेस होटल कोलावा को 32,000 रुपये की चपत लगाई थी। पुलिस अब इनके क्रिमिनल हिस्ट्री का भी पता लगा रही है। शक है कि इन्होंने अन्य होटलों में भी ऐसी घटना को अंजाम दिया होगा। धन्यवाद।